हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं हरबीर सिंह, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको सारी चीज़ें जेन्युइन मिलेंगी। तो जैसा कि आपने कल देखा, एमसीडी पीआरटी का जो मार्क्स हैं वो शो हो रहे हैं, और काफ़ी फ्रेंड्स कंफ्यूज थे कि इतने मार्क्स कैसे आए हैं। तो मैंने कल एनालाइज किया है, खूब जांच पड़ताल करने के बाद अभी आपको बता देता हूं कि साथियों, ये नॉर्मलाइजेशन आपका हो चुका है। जैसे हम बात कर रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा, कैसे होगा, तो वो सारी चीज़ें अभी आपके सामने हैं। जितना मुझे पता लग पाया है तो 13 तारीख वालों के, जो 13 वाली शिफ्ट थे, उनके मार्क्स पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। कुछ बता रहे हैं कि 1-2 नंबर बढ़े भी उनके। इसके बाद 14 तारीख वालों के साथ क्या हुआ है, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, सेकंड में कुछ मार्क्स डिक्रीज हुए हैं। तो बता सकते हैं कि जो 14 वाला है उसमें आपके 4-5 नंबर बढ़े हैं। इसके बाद बात करते हैं 28 और 30। तो साथियों, 28 और 30 वाले साथियों के मार्क्स काफ़ी बढ़े हैं, शायद जितना हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, तो उससे ज़्यादा मार्क्स बढ़े हैं। तो DSSSB ने जो अब की बार फॉर्मूला लगाया है नॉर्मलाइजेशन का, वो क्या है कि मार्क्स किसी के कम नहीं हुए हैं, मार्क्स सभी के बढ़ाए हैं। हाँ, लेकिन जो मार्क्स बढ़ाए हैं कुछ ज़्यादा बढ़ाए हैं, जो मैं देख रहा हूँ इससे मुझे लग रहा है कि मार्क्स कुछ ज़्यादा बढ़ाए हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे बच्चों के 25-25, 30-30 नंबर बढ़ रहे हैं और कुछ के बड़े भी नहीं हैं। तो अभी देखो, 1-2 दिन में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि DSSSB ने किस तरह का फॉर्मूला अपनाया है। और बात करें हम फाइनल कट ऑफ की, तो फाइनल कट ऑफ भी 1-2 दिन के अंदर शायद आपको देखने को मिल जाए। अभी साइट बिजी चल रही है, तो हो सकता है कि कट ऑफ आ भी गई हो, तो अभी देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज जो मीटिंग है आप वहाँ ज़रूर पहुँचें। NTT स्पेशल PRT वाले भी, जिसको लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो वहाँ अपनी मांगे रखें, मीटिंग करें। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहना चाहता हूँ, DSSSB ने जो भी कुछ किया है, कुछ गलत भी हुआ है, कुछ सही भी हुआ है। काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको लग रहा होगा कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है, काफ़ी ऐसे होंगे उनको लग रहा होगा जिनके मार्क्स इंक्रीज हुए हैं कि बहुत अच्छा हुआ है। हालांकि जैसा मैं पहले से बोलता आया हूँ कि अगर DSSSB पहले ही कंट्रोवर्सी नहीं बनाता, मतलब एग्ज़ाम एक साथ हो जाता, तो बहुत अच्छी चीज़ रहती। लेकिन अभी जो भी है ठीक है, उम्मीद यही है कि जिन साथियों का सिलेक्शन हो बहुत अच्छी बात है। मेरी तरफ से उन सभी को शुभकामनाएं, और अभी देखते हैं। हालांकि जो 13 और 14 वाले जो साथी हैं उनके मार्क्स बहुत, मतलब नॉर्मल रह गए हैं, 28 और 30 वालों के मार्क्स बढ़े भी हैं, तो अभी देखते हैं क्या होता है। 1-2 दिन में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद साथियों बता देना चाहता हूँ कि TGT मेल इंग्लिश, इसका रिजल्ट कल आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए, हालांकि अभी जो साइट है वो बिजी चल रही है। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो साथी TGT PGT PRT NTT जो भी हैं, जो रिजल्ट चाहते हैं, तो एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी से आज मीटिंग है, तो आप ज़रूर पहुँचें। वहाँ पे धैर्य जी आपको मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर सहयोग करें। तो जिन साथियों के माइंड में क्वेश्चन है, अभी मैं बता देता हूँ, नॉर्मलाइजेशन हो चुका है, मार्क्स DSSB ने किस हिसाब से बढ़ाए हैं वो 1-2 दिन में बिल्कुल पता चल जाएगा। लेकिन जो मेरा अंदाजा है वो मैंने आपको बता दिया, 30 और 28 वालों के मार्क्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, और 13 और 14 वालों के लगभग बराबर हैं या कुछ नंबर बढ़े हैं। तो इस हिसाब से कट ऑफ का अंदाज़ा लगाना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो पहले हम अंदाज़ा लगा रहे थे वो सारी चीज़ें अब फेल हो चुकी हैं, और 1-2 दिन में कट ऑफ ही आ जाएगी। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो साथियों, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।